पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लासेस चल रही हैं, और इन क्लासेस में रोज़ सुबह पहला पीरियड होता है जब बच्चों को मेडिटेशन सिखाई जाती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे कि बच्चे अच्छा इंसान बन सकें। डेली एक ही वक्त पे 18 लाख बच्चे एक ही समय 18 लाख बच्चे एक साथ मेडिटेशन करते हैं डेली। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जब मेडिटेशन करते हैं तो सुबह सुबह दिल्ली के अंदर कितनी अच्छी तरंगे फैलती होगी। इन बच्चों को आज हर बच्चे पे बहुत एकेडमिक स्ट्रेस होता है, उनके परिवार का स्ट्रेस होता है, दोस्तों का स्ट्रेस होता है, और बच्चों के लिए उससे कोप कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे देश भर में सुइसाइड कर लेते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि दिल्ली के बच्चों को उनका मानसिक संतुलन इन हैप्पीनेस क्लासेस की वजह से, इमोशनल उनका बैलेंस अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से इस किस्म का भगवान की दया से अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हमारा मकसद है कि ये बच्चे आगे चल के अच्छे इंसान बने ज़िंदगी में और अच्छे देशभक्त बने। भारत ने पिछले 2000-3000 साल में पूरी दुनिया को आध्यात्म सिखाया है। हैप्पीनेस क्लासेस जो बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सिखा रही है, ये पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के बच्चों को, हर स्कूल को एक दिशा देगी। स्कूलों के अंदर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अच्छा इंसान बनाना नहीं सिखाते, किसी को आता ही नहीं था बनाना, अब हमने सिखाना चालू किया है और पूरी दुनिया को ये एक दिशा